लव लेटर, जिम लवर, नहीं सुनो तुम, सुनो तुम, जब जब आप मेरे लेग्स को टच करते थे, मालूम है जिसने लव लेटर लिखा है उसी से। सो हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित तवर में। अच्छा, जैसा आपका भाई एक और खुरापाती शैतानी प्रैंक लेके आया, जो कि होने वाला है लव लेटर प्रैंक ऑन वाइफ। तो मैं इस लव लेटर को अपने जिम बैग में रखने वाला हूँ। लेट्स सी माही किस तरीके से रिएक्ट करती है। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज यार सब्सक्राइब कर ले, आपके भाई का चैनल है। जिस तरीके से आप प्यार एंड सपोर्ट कर रहे हो उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए। लव यू सो मच। चादर साफ है ये? क्या हो गया? जल्दी लग रही है थोड़ी। क्या कर रहे हो यार तुम? टीवी देखते रहते हो सारा दिन। अच्छा, अबे सारा दिन अभी तो आया यार सेशन लेके। हो गया सेशन आपका? हाँ, तू लगी पड़ी थी बाहर कपड़े धोने में। हाँ कपड़े धो रही हूँ यार मैं। धो लेना। कोई कपड़ा दे दो, कोई गंदा है तो फिर चर्चा करते हो। मेरा कोई कपड़ा नहीं है। पक्का? फिर लास्ट में मत बोलना मुझे, मेरे को बहुत परेशान करते हो तुम इन चीजों में। कोई कपड़ा है तो बता दो। और ये चादर मुझे लग रहा है देखना ही गंदी लग रही है, चल जाएगी एक दिन और। अरे अभी पिछले हफ्ते धोई थी तूने? पिछले हफ्ते धोई थी मैंने, ये 3 दिन पहले धोई थी। मुझे नहीं पता यार, मुझे याद नहीं है। तो फिर आपको याद नहीं है तो बोलते क्यों है यार, हद है। कोई है कपड़ा? लास्ट बार पूछ रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। बाद में मत देना। मेरी यार वो सॉक्स होंगी, वो नई वाली बास मारी जिन। क्या बात है, वो ले जा। वो तो मैंने ले ली, वो तो मुझे पता था खुद से तो तुम बोलने वाले हो नहीं। और कोई है उसके अलावा? उसमें देख ले, जिम बैग में ना टावल पड़ी होगी, हैंड टावल। कहाँ है जिम बैग आपका? देख के यहीं पड़ा होगा कहीं आसपास। यार इंडिया हार गई ना, बस परेशान हो गया मैं, सर में और दर्द हो रहा जब से इंडिया हार। लव लेटर, जिम लवर क्या है? उधर उधर हो जाओ, बस बता रही हूँ। जिम लवर रोहित तवर, डियर रोहित बेबी सर, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अबे वो सुनो। अच्छा बोले। नहीं सुनो तुम, सुनो तुम, पक्के में लिखा है वो। आपसे मिले कितने दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, ना आपने राजी खुशी पूछी, जब जब आप मेरे लेग्स को टच करते थे, सुनो तुम, मुझे बहुत मजे आते थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। अबे वो मेरी बात तो सुन ले, मोटी कर, मेरी बात क्लियर हो? नहीं मेरी क्लियर हो रही है। ये किसी ने डाल दिया मेरे साथ? स्ट्रेचिंग करते वक्त आपके हाथ भी तो है बहुत सख्त। इधर दो, क्या है ये? हाँ ये सब करने जाते हो जिम में? मैं बता, बैठ दो सी, दो मिनट शांत तो हो जा, कैसे फटेगी? हाँ फटूंगी मैं। तुम्हें यार कितनी बार माफ करूँ मैं? किसने लिखा है लव लेटर? अब कौन है? लव लेटर नहीं है, सुन मेरी बात, बैठ दो सी। अच्छा ऊपर क्या लिखा है बड़ा बड़ा? डियर क्या लिखा है वो ऊपर? छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने डाल दिया वो। अबे मेरे को सर बोलता है, मैं उसको वे बोलता हूँ। अच्छा डियर लवर रोहित तवर, यार तुम कितनी बार? डियर लवर नहीं है, जिम लवर होगा। मैंने तुम्हारे फोन में मैसेजेस वगैरह भी देखती हूँ कई बार, तुम मतलब कितनी लड़कियों से बातें करते हो यार। मैं क्या बोल रही हूँ, शर्म आ रही, हंस रहे हो तुम मेरे मुंह पर? दे रहे इधर दो इसको। अबे सुन मेरी बात, मैंने उसे बोला था यार इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कर, ये क्या लिख के दे दिया, ये हद है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कर? ये सुन मेरी बात, मुझे ना आप पे बिल्कुल रत्ती भर विश्वास नहीं रहा है। सुन है कौन है? कोई भी कौन कौन से किस किस से बात करते हो? ये तो पेपर है, मुझे दिखाओ इसको। पेपर है मुझे पेपर। पढ़ने दो ना आगे, आगे भी तो पढ़ने दो मुझे। आगे पढ़ने पढ़ेगी क्या तुझे, बताना मुझे।
यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितना चीट करते हो मुझे। और ये भी अभी एक बार बताया, वर्कआउट करा दो, थोड़ा प्यार तो बन जाता है ना, थोड़ी बॉन्डिंग बन जाती है ऐसे। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी तो नहीं बनती किसी से बॉन्डिंग। तेरी में बनने थोड़ी देर में बन जाएगी, तुझे पता है फिर क्या। अच्छा मतलब मेरे लिए तो ये है और तुम्हारे लिए क्या है? क्या है तुम्हारे लिए? क्या है तुम्हारे लिए? अबे क्या दिखा मुझे, बैठ यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं बैग रख के ना चला गया था वर्कआउट करके अंदर वॉशरूम में, तो मैं वॉशरूम में नहाने गया था, बाथरूम करके फिर शावर लिया मैंने, अब उसके बाद पता नहीं किसने डाल दिया मुझे क्या पता, पता ही नहीं है तुम्हारे बैग में किसने डाला है। तो मुझे क्या पता, वहाँ पे जो है ना साथ वाली मेट्रेन वो चिढ़ते है मेरे से, तो मेरे को फंसाने के लिए कि तुम मेरे को जो जिम में ना जाने दे, फिर मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, 2-2 लाख रुपए कमाता हूँ जिम के। तो ये मतलब किसी आपके जिम उसने करा है जो आपके ट्रेनर है? चिढ़ते है ना, चिढ़ते है ना मेरे से। डॉक्टर के चलेगी ठीक मार रही है कोरोना, कोरोना तो नहीं हो रहा तेरे को? मेरा दिमाग खराब तो करो मत, इसका सीन बताओ, इसका सीन क्या है जो पागल बना रहे हो तुम मुझे? पागल नहीं बना रहे, इसका सीन क्या होता, ये तो पेपर है, सीन कहाँ से मैं पूरा तो पढ़ने दो, नीचे नाम पढ़ने तो लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा उसका, देखती हूँ इंस्टाग्राम पे चेक करती हूँ है कौन हो, और अपनी आईडी दो मुझे इंस्टाग्राम की, मैं देखती हूँ आईडी दो मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, ले लो मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी से बात ही नहीं करती, तुम्हारी तरफ थोड़ी ना, तो मैं कहाँ किसी से बात करता हूँ, रिप्लाई नहीं करती हो तुम? हाय हेलो के रिप्लाई होता है, और मैं तो एक चीज पूछती हूँ, अरे मेरी क्लाइंट है, अरे मेरी क्लाइंट है, कितनी क्लाइंट है आपकी? तो पैसे देती है सारी फ्री में, थोड़ी वर्कआउट कराता हूँ। तो पैसे देती है तो फ्लर्ट करने का क्या मतलब है तुम्हारा? नॉर्मल वर्कआउट कराओ, अपने काम से काम रखो ना, ये सब क्या है यार, लड़की यार छुपाती है तो मैं भी छुपा दे। मेरे को ना गुस्सा मत दिलाओ, बता रही हूँ। तो जा, क्या हो रहा है तेरे को? जिम नहीं जाओगे तुम? क्यों नहीं जाओ? खत्म हो जाओ, वंटी का ढांचा हो जाओ। कोई बात नहीं, वर्कआउट नहीं कराओगे लड़कियों को? सो बताओ कराओगे? पैसे देंगी ना तो कराऊंगा ना। नहीं कराओगे? नहीं कराओगे? नहीं, ये सब क्यों तो वर्कआउट नहीं कराओ? अबे ये किसी ने मेरे जलते साले में पता नहीं थे किसी ने नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, तुम जाओगे ही नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, और मैं अब तुम्हें कई बार देख चुकी हूँ हरकतें करते हुए। नहीं मैं छोड़ो, इंस्टाग्राम मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा तारीफ कर दूंगा मैं पिघल जाऊंगी। पिघल जाऊंगी तो आइसक्रीम है क्या? पिघल जाएगी सर्दी आ रही, वैसे भी जम जाएगी तो पिघलेगी नहीं, गर्मी में पिघलती है। फिर हाथ छोड़ो, तुम बहुत मूड खराब करते हो मेरा। मैं मोटी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये लव लेटर किसका है ये तो बता दो, किससे अफेयर चल रहा है आपका? किसका लव लेटर? देख लव मेरा तेरे से है ठीक है, तो ये तो कागज है, लेटर वेटर कुछ नहीं है। मेरे से लव होता तो ये लेटर ऐसे कोई लिखता ही नहीं है। मैंने तेरे को दिया है कभी लेटर? नहीं नहीं दिया। मेरे को तो नहीं दिया आपने? तो फिर तो कुछ सोच, फिर तो आपने नहीं दिया ना, ये आपको किसने दिया है? ये आपको दिया है ना किसने? बैग में दिया है कि नहीं? मुझे पता ही नहीं, अगर मैं आपका बैग चेक नहीं करती या फिर ये निकालती नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये तो गलती से चलो मैंने निकाल दिया, तुमने बोल दिया कि मेरा कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं चलता इसके बारे में यार। अब हो गई ना गलती यार इससे, गलती गलती की इससे हुई है, इस लड़की से। तुम ना मुझे बहुत ज्यादा चीट कर रहे हो तुम मुझे यार, बहुत हो गया तुम। यार दिमाग खराब कर रखा है, चारों से मैंने बोला था तुम ऐसे। चारों ये फंस गया सी है। कौन है ये चारों? चारों मतलब वो है, ये क्या नाम है? हाँ एक वो है मतलब काफी, मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी चारू था ना? नहीं वो उसका नहीं था, कुछ और था उसका, तो अबे उसका तो वो था शालीन, शालीनी था। सीरियसली बता रही हूँ, हाँ फूट जाती है। मैंने से बोला था यार कि तू मतलब वो कर दे। क्या कर दे? इंस्टाग्राम पे मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है चारू? अबे यार मुझे कौन सी चारू है फिर, ये तुम्हारी एक्स नहीं है तो कितनी चारों से बात करते हो तुम? अबे एक ही चारू, मुझे तो एक का ही पता था, और तुमने मेरे से बोला था मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, कई सालों से बात नहीं, मतलब नहीं उसका तो मेरे से मतलब है ना। उसका क्यों तुमसे मतलब है? क्योंकि मैं उसको वर्कआउट कराता हूँ फ्री में, ठीक है? फ्री में करवाते हो?
अभी तो तुम कह रहे थे पैसे वैसे देती है पैसे तुम फ्री में वर्कआउट कराते हो, तुम क्या क्या कराते हो फ्री में? प्यारी समझ गई। मुझे तो तुम पे डाउट हो रहा है। नहीं नहीं हाथ लगा, हाथ हटाओ। मुझे तो तुम पे डाउट हो रहा है, वर्कआउट के नाम पे क्या क्या कर रहे हो? वर्कआउट के नाम पे ये लव लेटर निकल रहे हैं तुम्हारे बैग में से, मुझे तो पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। कहाँ गए? कहाँ लेटर है? पूरे दिन घर से बाहर रहे तो पता नहीं क्या करते हो तुम। कहाँ गए? कहाँ गए? ठीक है मैं भी मारूंगी और उस चारू को भी मारूंगी, बता रही हूँ। और अब मैं ना तो अपने भाई भाई को बुला रही हूँ ना किसी को बुला रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, कैब बुक कर रही हूँ। क्या बोला तूने? ठीक है मैं अब आऊंगी नहीं वापस, पहले बता रही हूँ। तुम ये सब हरकतें करते रहो, यहाँ पे कैब थोड़ी आएगी, इतनी बड़े तक तो छोड़ के आना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई नहीं आ जाएगी यहाँ तक, मैं अपने आप बुक कर लूंगी। ठीक है तुम तो चाहते हो मैं चली जाऊँ, तुम मेरे साथ रहना थोड़ी चाहते हो, ये हरकत देख के तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगी। और तुम्हारे साथ यार ये पागल कहीं की, मैंने इसे मना किया था, ये मत, ये पुराने जमाने में कहाँ चलेगी लेटर पटक लिख दी है, बता यार। आज कबूतर जा 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 के टाइम पे थी ये चीज, अब कबूतरी आ के टाइम पे ये लेटर है। इंस्टाग्राम पे चल रहे ना, तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या है दिमाग में आई मुझे, मेरे को फंसवा रही है, मेरे को फंसवा रही है, बोटी मेरे को फंसवा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है ये बताओ पहले। हाँ तुम्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना तुम्हारे लिए? तेरी इम्पोर्टेंस जितनी है जितनी एज बैलेंस। अगर मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है तो ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? काम काफी नहीं हो गया तुम्हारे लिए? बेबी काफी है, तू तो किताब नहीं है, ये किताब। ये डायलॉग बाजी ना किसी और को दिखाना, ठीक है ना? ये डायलॉग मार मार के फंसाई होंगी ये सब तुमने। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। नहीं नहीं डायलॉग नहीं, ये तो मैंने स्ट्रेचिंग ऐसे स्ट्रेचिंग। मैं तो दूर ही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी अपने घर, बता रही हूँ। तुम ये सब हरकतें करो, ठीक है? जा रही हूँ, कपड़े धो लेना अपने आप सारे। कपड़े तू थोड़ी धोती है, वॉशिंग मशीन धोती है? वॉशिंग मशीन के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए ना, निकाल लेना सारे कपड़े उसमें से। कोई बात ये तो धो दे। मैं धो देना उसी से बुलवा लो ना जिसने लव लेटर लिखा है, उसी से करवा लो ना ये सारे काम। दिखाओ मुझे क्या लिखा है इसमें। मैं कुछ भी नहीं है, तू फट मत। प्रैंक कर रहा था मैंने लिखा। फूटते फूटते बच गए बस तुम्हारा, प्रैंक कर रहे थे। मेरा पेपर और काट दिया, कैसे लिखा था? प्रैंक ही था नहीं।